रात गए वडेरा सुलंगी खानम की रिहायश गाह पर पहुंचा। ये बड़ा खुफिया दौरा था जिसको एजेंसियों की नजरों से पोशीदा रखने का मुकम्मल एहतमाम किया गया था। खानम ने उसका इस्तकबाल बकायदा मुआनका करके किया। वडेरा सुलंगी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर थे। गाड़ी खानम के बंगले में गायब हो गई। उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को खानम के मुहाफिज मुलाजमीन वाले हिस्से मिले गए और वडेरा सुलंगी उसके मेहमान खाने में पहुंच गया। यहाँ एक और हैरत उसके लिए मौजूद थी। ये साई लोक था। साई लोक मैडम के ड्राइंग रूम में दो लड़कियों के दरमियान राजा अंदर बना बैठा था। आओ वडेरा आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतजर था, उसने अपनी जगह बैठे बैठे कहा। वडेरा सुलंगी एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। कुछ भी हो, साई लोक उनका कमी था जिसने यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होना भी गवारा ना किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल हो गया। वाह साई लोक, बाबा बड़ी मौज लगा रखी है, उसने खुद को बड़ी चलाकी से नॉर्मल किया। अभी तुमने देखा ही क्या है वडेरा सुलंगी, अभी तो मौज मस्ती होने वाली है, उसने अपनी बात मुकम्मल की ही थी जब खानम कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ दो और लड़कियां भी थीं। वडेरा सुलंगी के लिए उनमें से किसी एक का इंतखाब मुश्किल हो रहा था। वो सब एक से बढ़कर एक थीं। थोड़ी देर बाद ही वहां जाम सज गए। चारों लड़कियां उनकी खातिरदारी कर रही थीं। वडेरा ने देखा खानम बगैर किसी हिचकिचाहट के उनका साथ दे रही थी, अचानक ही जैसे वहां कोई टाइम बम फट गया हो। एक लड़की से जो शायद थकी हुई थी गिलास कालीन पर गिर पड़ा, जिसके साथ ही खानम ने उसे खूनी नजरों से घूरा और जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ रसीद कर दिया। लड़की की चीख निकल गई। वो पहले की तरह खानम के कदमों से लिपट गई। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो, उसने गिसगिसाते हुए लहजे में कहा। हाँ हाँ माफ कर दो ना साली को, साई लोक ने अजीब से लहजे में सिसकारी लेते हुए कहा। अभी करती हूँ साई जी, अभी करती हूँ, खानम ने कहा। वडेरा सुलंगी को उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती थी। यूं महसूस हो रहा था कि उसके बदन में कोई जिन हलूल कर गया है। लड़की को शायद इल्म था कि क्या होने वाला है। वो गड़गड़ाती हुई खानम के कदमों पर लिपटने लगी, लेकिन अचानक ही उसकी साथी लड़कियों ने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अलग कर दिया। उसके साथ ही खानम तेजी से ड्राइंग रूम से मुलका अपनी खाबगाह में चली गई। जब वापस लौटी तो उसने एक हाथ में अपना मखसूस हंटर थाम रखा था और दूसरे हाथ की उंगलियों में सिगरेट फंसा हुआ था, जिसका तवील कश खींचने के बाद उसने धुएं के मरगोले फिजा में बनाए। वडेरा सुलंगी अभी तक अपनी जगह बैठा हैरानगी से ये मंजर देख रहा था। खानम के कमरे में दाखिल होते ही लड़कियों ने अपनी ही साथी को वहीं कालीन पर दोजानों बिठा दिया, जिसके बाद वो बदबख्त अपने घुटनों पर जानवरों की तरह झुक गई। शायद ये यहाँ का मामूल था, जिससे वो बदकिस्मत लड़कियां बखूबी आगाह थीं। साई लोग ने ये मंजर देखकर अपनी जगह से उठकर आलमे वहशत में नाचना शुरू कर दिया। मजलूम लड़की सर्कस के शेर की तरह खानम के सामने झुकी हुई थी, जिसने अपने सर को सर्कस ही के ट्रेनर की तरह पहले हवा में 3 बार जोर जोर से झटका, दहशतनाक आवाज निकाली, जिसके बाद वो वैशी दरिंदे की तरह उस बदबख्त पर पल पड़ी। जैसे जैसे उसकी चीखें बुलंद हो रही थी, साई लोग का रक्स अपने नुक्ते अरूज को छू रहा था और खानम वो आदमखोर वैशियों की तरह लड़की से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। बाकी लड़कियां जिनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे, खौफजदा हरनियों की तरह कमरे के कोने में सिमट कर खड़ी थीं। वडेरा सुलंगी को पहले तो ये मंजर अजीब सा लगा, फिर उसके अंदर का दरिंदा भी जाग उठा, जिसके साथ ही वो इस मंजर से लुत्फ अंदोज होने लगा। लड़की की चीखें अब थम गई थीं, शायद वो बेहोश हो गई थी। खानम ने बेहोश लड़की पर अपनी एक टांग रखकर शिकारियों के से अंदाज में अपने हंटर को जोरदार झटका दिया, जिसके साथ ही खौफजदा हरनों की तरह सहमी हुई लड़कियों ने अपनी बेहोश साथी को जैसे तैसे उठाया और दूसरे कमरे में गायब हो गईं। दरिंदगी और वहशत का ये खेल रात देर गए तक जारी रहा। मंजर बदलते रहे, लेकिन वहशत ने कब्जा जमाए रखा।
इस रात वडेरा सुलंगी को खानम और साईं लोक ने इंसानी खून के एक नए जायके से आशना किया। यहां से रुखसत होते हुए वो महसूस कर रहा था जैसे अब बार बार उसे अपनी हसद दरिंदगी को तस्कीन देने के लिए यहां आना पड़ेगा। पहली ही मुलाकात में वडेरा सुलंगी खानम का दिलदादा हो गया था। ये औरत उसके बेहतर काम आ सकती थी। उसके मालकान को जब इत्तला मिलती कि उसने उनके लिए लेडी एजेंट और वो भी खानम जैसी मशहूर कॉल गर्ल पिटा ली है तो वो अपने खजानों के मुंह सुलंगी पर खोल देते। सुबह जब वो खानम के घर से अपने ठिकाने की तरफ रुखसत हो रहा था तो उसे सारी रात करीबन जागने के बावजूद अपना जिस्म हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। खानम और उसकी बांदियों ने वडेरा सुलंगी को हिरसो हवस के जिन जहाजों की सैर करवा दी थी उससे मुतलिक वो सोच ही सकता था। घर पहुंचकर वो लंबी तान कर दोपहर तक सोता रहा। जब उठा तो बड़ा हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। उसका शैतानी जहन उस दरमियान मुसलसल मंसूबा साजी करता रहा था। उसका अगला टारगेट सेठ हांडी वाला था। अगर ये मुर्गी काबू आ जाती तो करोड़ दो करोड़ रुपया ईंट लेना उसके दाएं हाथ का खेल था। लेकिन ये सब होगा कैसे, उसने सोचा। क्या वो इस मरले पर खानम को मुकम्मल एतमाद में ले ले, उसे बता दे कि वो उसे रा के हवाले करने जा रहा है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। उसके जहन ने फिलवक्त दूसरे ऑप्शन को बेहतर जाना था। वडेरा सुलंगी बड़ा घाक शिकारी था। उसने जिंदगी में हमेशा ठंडा करके खाने की हिकमत अमली इख्तियार की और कामयाब रहा। उसे इल्म था कि गरम गरम खाना हल्क में उतारने से उसका मुंह भी जल सकता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत करने की ठानी थी। फिल वक्त तो उसे खानम को राह से दूर ही रखना था। इस रोज शाम को बतौर खास उसने खानम को अपने यहां मदऊ किया। वडेरा सुलंगी ने उसे बराह रास्त फोन किया था, हालांकि उससे पहले उसका राबता साईं लोक के जरिए हुआ था। खानम ने एक लम्हा हिचकिचाहट का मुजाहरा किए बगैर हाँ कर दी। ये उसका टेस्ट केस था, वडेरा सुलंगी ने अंदाजा लगा लिया कि अब ये चिड़िया उसके जाल से कभी नहीं निकल सकेगी। यूं भी इंसानियत की जिस जलील तरीन स्टेज पर वो खड़ी थी वहां उसका शुमार हैवानों ही के जुमरे में होता था, और खुद एक इंसान नुमा दरिंदा होने के नाते वडेरा सुलंगी को अंदाजा था कि वो खानम की कौन सी कमजोरी को जब चाहे आसानी से एक्सप्लाइट कर सकता है। उसने जानबूझकर साईं लोक को उसकी इत्तला नहीं दी थी कि खानम उसके यहां आ रही है। वो खानम से भी यही उम्मीद कर रहा था। तयशुदा वक्त पर खानम अपने एक सेक्रेटरी और ड्राइवर के साथ वडेरा सुलंगी के बंगले पर पहुंच गई, जहां उसका इस्तकबाल उसकी तवक्कुआत से बढ़कर शानदार तरीके से किया गया। कल की शाम को यादगार बना दिया था तुमने, हम अपने दोस्तों से ऐसी ही तवक्को रखते हैं। तुमने हमारा दिल खुश किया, ये हकीर सा नजराना कबूल करो। ये कहते हुए वडेरा सुलंगी ने उसके लिए पहले से तैयार करदा एक लिफाफा मेज से उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा बंद था। खानम की जमाना साज नजरों ने उसके अंदर मौजूद नोटों का वजन कर लिया था। उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक ये 1 लाख की खतीर रकम थी। खानम को ये तो उम्मीद थी कि उसके यहाँ एक शानदार रात गुजारने के बाद दीगर वडेरों, नवाबों, सनतकारों, अफसरों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों वगैरह की तरह वो हक खिदमत तो ज़रूर अदा करेगा, लेकिन वो इतना मेहरबान हो जाएगा उसकी तवक्को उसे नहीं थी। उसके नज़दीक ऐसी एक रात की कीमत 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी और उसे 1 लाख रुपया मिल रहा था। वडेरा साईं, ये तो, उसने कुछ कहना चाहा जब सुलंगी ने उसकी बात काट दी। ये तो कुछ भी नहीं खानम, तुम्हारे यहाँ गुजारे एक एक लम्हे की कीमत 1-1 लाख रुपये है। बात यह है बाबा कि हम भी निराले शौक रखने वाले बंदे हैं, मामूल की बातें तो होती रहती हैं, कुछ अलग सा होना चाहिए, और वो तुम्हारे यहाँ है। खानम बाबा हमारे साथ यारी लगाई है तो ज़रा हवेली के दरवाजे ऊंचे ज़रूर कर लेना, हमारी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। साईं, जब आप हुक्म दें। खानम ने उसकी तरफ देखकर बड़े बेहुदा सा इशारा किया जिस पर वडेरा सुलंगी खिल उठा। एक मुअद्दिब खादम उनके लिए मशरूबात की ट्राली ले आया था और तीनों अब गपशप करने लगे थे।
चाय खानम ने खुद तैयार की, जबकि उसकी सेक्रेटरी ने वडेरा के पहलू में खानम की खाली करदा जगह संभाल ली थी। वडेरा सोलंकी इस लड़की को पहचान गया। वो टीवी पर चलने वाली एक सीरियल में हीरवन का किरदार अदा कर रही थी, साली हीरवन। उसने दिल ही दिल में तमस्खर उड़ाया। खुदा जाने ऐसी कितनी हीरवने खानम की जूतियां चाटती फिरती थीं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।